नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत न्यूज। मैं हूं ज्ञानेश चौहान। मोदी सरकार के मंत्रिमंडल की भी कई चेहरों पर कयास लगाए जा रहे हैं और आज शाम को मोदी जी शपथ ग्रहण भी करेंगे। इसकी भव्य समारोह की शुरुआत भी, पूरी तैयारियां हो चुकी है। फिलहाल ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल में किन चेहरों को शामिल किया जाएगा, तो यूपी से क्या अपडेट है वो जानना चाहेंगे हम न्यूज डेस्क के सहयोगी हमारे आदित्य। हाँ ज्ञानेश, उत्तर प्रदेश की जो जीत थी बीजेपी के लिए वो बहुत बड़ी थी, क्योंकि बहुत सारे सियासी जो समीकरण थे वो ध्वस्त किए गए थे, बहुत सारे जाति समीकरण भी, उनको धता बताते हुए भारतीय जनता पार्टी ने धमाकेदार जीत दर्ज की थी। तो इसलिए मंत्रिमंडल में जगह की बात आएगी तो भी उत्तर प्रदेश का नाम काफी ऊपर आएगा। तो उत्तर प्रदेश से 10 सांसदों के मंत्रिमंडल में शामिल होने की दावेदारी है। इसमें कुछ नाम तो क्लियर हैं, कुछ पे अभी संशय बरकरार है, एक दो घंटे में चीजें साफ हो जाएंगी। जैसे लखनऊ सीट से जीत दर्ज करने वाले राजनाथ सिंह कैबिनेट में रहेंगे, ये लगभग तय माना जा रहा है। इसके अलावा अमेठी सीट से राहुल गांधी को हराने वाली स्मृति ईरानी भी कैबिनेट का हिस्सा होगी, ये भी तय माना जा रहा है। उसके अलावा कुछ और नाम है जो इस कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। इसमें गाजियाबाद सीट से जीत दर्ज करने वाले वीके सिंह भी कैबिनेट में हो सकते हैं। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में अपना दल से गठबंधन था भारतीय जनता पार्टी का, तो अपना दल की अनुप्रिया पटेल एक बार फिर से मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकती हैं। दो तीन नाम जिन पर थोड़ा संशय है, उसमें एक नाम आता है गाजीपुर सीट से चुनाव हार चुके हैं लोकसभा चुनाव, मनोज सिन्हा का। पिछली बार वो मंत्रिमंडल का हिस्सा थे, लेकिन इस बार वो चुनाव चूंकि हार चुके हैं इसलिए उनके नाम पर संशय बरकरार है। और दूसरा मेनका गांधी और वरुण गांधी में से किसी एक को मंत्री पद मिल सकता है। और फतेहपुर से लोकसभा सांसद साध्वी निरंजन ज्योति को भी इस बार मंत्रिमंडल मिलना तय है, क्योंकि अभी तक जो मीडिया की खबरें आ रही हैं उनके पास कॉल जा चुका है और उनको शाम 4:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करनी है उनके आवास पे। तो ये सांसद हैं जिनको इस बार मोदी कैबिनेट में यूपी से एटलीस्ट मिल सकता है मौका। बिल्कुल, तो यूपी से अभी आपने जाना कि किन चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, और इसको लेकर पिछले 24 घंटे में अमित शाह और मोदी जी के बीच कई मीटिंग भी हुई है, और देखते हैं उसमें कि क्या अभी निकलता, फाइनल लिस्ट क्या होती है, और इसी से जुड़ी और आगे अपडेट हम जानते हैं हमारे न्यूज़ डेस्क के सहयोगी सतीश जी से। अभी सब मोदी की बैठक हो रही है, बैठक के बाद ऐसा तय हुआ कि 50 या 60 मंत्री मतलब की शपथ ले सकते हैं। खासकर इस बार जो मोदी का मेन फोकस है उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और मतलब जहाँ विधानसभा चुनाव, हरियाणा और महाराष्ट्र। बंगाल से चर्चा है कि 4 से 5 मिनिस्टर बन सकते हैं, जिसमें कुछ प्रमुख नाम है लोके चटर्जी, अर्जुन सिंह, मुकुल राय, बाबुल सुप्रियो, ये 4-5 जो नाम हैं साथ उनके मंत्रिमंडल में उनको जगह मिल सकती है। क्योंकि मोदी जी आप लोग सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के समय ममता और मोदी में काफ़ी टक्कर भी हुई थी, और मोदी जी 2 सीट से 18 सीटें बंगाल में पहुंच गए हैं। इसको लेकर वहाँ बंगाल लोग से काफ़ी मोदी से आशाएं हैं, तो 4 या 5 मिनिस्टर मोदी के मंत्रिमंडल में बंगाल से शामिल हो सकते हैं। अच्छा, दिलचस्प बात अमित शाह जी की भी चल रही है कि उनका मतलब क्या पोजिशन है। हाँ, ऐसी चर्चा चल रही है कि अमित शाह हो सकते हैं कि वित्त मंत्री या गृह मंत्री हो सकते हैं। रही बात राजनाथ सिंह, वो एज ए गृह मंत्री भी उन्होंने 5 अच्छा काम किया है, अब मोदी जी उनको कहाँ फिट करते हैं, लेकिन चर्चा यही है कि अमित शाह गृह या मतलब कि वित्त मंत्री बन सकते हैं। और अरुण जेटली जी के बारे में क्या? अरुण जेटली ने कल बकायदा खुद मोदी को उन्होंने पत्र लिखकर कहा कि मुझे मंत्री नहीं बनना है, स्वास्थ्य को लेकर उन्होंने मना कर दिया है। इसके बाद लगभग 9 बजे मोदी जी उनसे मिलने भी गए थे, अब वहाँ क्या बात निकली, लेकिन इतनी संभावना है कि इस बार मंत्रिमंडल में अरुण जेटली मंत्री नहीं बनेंगे। बिल्कुल, तो इस बार वित्त मंत्रालय अरुण जेटली नहीं संभालेंगे, उनकी जगह कोई और शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद अमित शाह को वो पोजीशन मिल जाए, और इसी से जुड़ी और अपडेट लेने के लिए हम चलते हैं हमारे न्यूज़ डेस्क के सहयोगी निखिल जी। करीब करीब 30 से ज़्यादा नेताओं के नाम तय हो चुके हैं, मैं आपको लिस्ट ही बता देता हूँ अपने दर्शकों को कि राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमन, स्मृति ईरानी, जितेंद्र सिंह, बाबुल सुप्रियो, हरसिमरत कौर बादल, धर्मेंद्र प्रधान, मुख्तार अब्बास नकवी, प्रकाश जावड़ेकर, पीयूष गोयल, अनुप्रिया पटेल, रामदास आठवले, मनसुख मांडवी, गिरिराज सिंह, अर्जुन मेघवाल, किरण रिजिजू, तो ये सारे लोग पिछली बार भी कैबिनेट में थे। और नए लोगों में जिनकी चर्चा सबसे ज़्यादा है, अमित शाह आ रहे हैं, वो टॉप 4 में रहेंगे, या तो वित्त मंत्री बनेंगे या गृह मंत्री बनेंगे। इसके अलावा शिवसेना ने अपना नाम फाइल कर दिया, अरविंद सावंत शिवसेना के छोटे से कैबिनेट मंत्री होंगे।
नित्यानंद राय बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उजियारपुर से उन्होंने चुनाव जीता है और आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा को उन्होंने हराया है। तो बीजेपी ने बिहार में परफॉर्मेंस दिया है, सादातपुर में कैबिनेट का टिकट मिल रहा है। इसके अलावा भूपेंद्र यादव अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों के काफ़ी करीबी हैं और बिहार में 2015 में जब हार मिली थी महागठबंधन से बीजेपी को, उसके बावजूद पार्टी ने उन पर भरोसा जताया था और इस बार बिहार की स्थिति यह है कि 40 में से 39 सीटें NDA खाते में हैं, तो उनका इनाम उनको मिलने जा रहा है। सुरेश अंगादी हैं, किशन रेड्डी हैं, प्रहलाद जोशी हैं, कैलाश चौधरी हैं, कृष्णपाल गुज्जर हैं, पुरुषोत्तम रूपाला हैं, उत्तराखंड से रमेश पोखरियाल निशंक हैं, पूर्व CM भी रह चुके हैं। इसके अलावा सदानंद गौड़ा को भी कर्नाटक से लाया जा रहा है। और बात करें सिर्फ JDU कोटे से, तो JDU कोटे में नीतीश कुमार की पार्टी ने 16 सीटें जीती हैं। तो ललन सिंह, राजीव रंजन सिंह उनका पूरा नाम है, मुंगेर से सांसद हैं और नीतीश के काफ़ी करीबी रहे हैं। मतलब जब JDU का गठन हुआ था उस समय से ही 2003 से वो नीतीश के साथ हैं, बिहार सरकार के महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, मंत्री रहे हैं। तो केंद्र में नीतीश कुमार का अगर कोई प्रतिनिधि होगा कैबिनेट मंत्री के रूप में, तो एक नंबर पे माना जा रहा है कि वो ललन सिंह है। इसके अलावा पवन वर्मा का नाम चल रहा है, वो टेक्नोक्रेट भी रहे, मतलब टेक्नोक्रेट नहीं मतलब वो सरकारी अधिकारी रहे हैं, तो पवन वर्मा को एक जगह दी जा सकती है। यही दो नाम JDU के कोटे से हैं। तो देखते हैं कि मोदी कैबिनेट में इन लोगों में से किन कुछ लोगों को कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा, कुछ लोगों को स्वतंत्र प्रभार मिलेगा और कुछ लोग राज्य मंत्री बनेंगे। बिल्कुल। तो सर, राष्ट्रपति भवन में अभी जैसे पूरी मोदी जी के शपथ ग्रहण की पूरी तैयारियां हो गई है, तो कितने बजे वो शपथ ले सकते हैं? शपथ ग्रहण वो टाइम फिक्स है, वो तो राष्ट्रपति भवन से 7 बजे ही शपथ लेंगे। और मंत्रिमंडलों के नाम का जो उससे बड़ी खबर अभी ये है कि 4:30 बजे PM मोदी के निवास पर सारे नए मंत्रियों को बुलाया गया, मतलब जिनको शपथ लेनी है। तो 4:30 बजे ये क्लियर हो जाएगा कि कौन लोग शपथ ले रहे हैं, कौन नहीं ले रहे हैं। शपथ तो एक चीज़ हो गई, फिर 7:00-7:00 बजे शपथ हो गया तो फिर अगले दिन मोदी कैबिनेट की पहली मीटिंग होने वाली है। तो अभी विभागों का बंटवारा आज देर रात या कल सुबह तक हो जाएगा। तो विभागों का बंटवारा जो है वो देर रात या कल सुबह तक हो जाएगा। और फिलहाल शाम को, मतलब जो तय है कि राष्ट्रपति भवन में शाम को 7 बजे मोदी जी शपथ ग्रहण लेंगे। तो बिल्कुल आप जुड़े रहिए लोकमत न्यूज़ से, और मंत्रिमंडल में कैबिनेट में कौन कौन चेहरे शामिल होते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। देखते रहिए लोकमत न्यूज़।